आपको नजर लग जाएगी हमारी। अरे सेठान एक बात बताई। हाँ। तुम हमसे कह रही कि हम कोनो खुशखबरी सुनाने वाले हैं, तो कोनो खुशखबरी सुनाओ ना पहले। अच्छा अच्छा। हाँ। आ गए ना मुद्दे की बात पे। अरे पर असल बात तो वही है ना कि तू हमें पहले खुशखबरी तो सुनाओ। सुना तो दे, बदले में हमें क्या मिलेगा? अरे तुम कोनो अच्छी खुशखबरी सुनाओ हमका, हम देखो तुम्हारे नाम ई महल कर देंगे। बुड्ढे मुझे पूरे तेरी पूरी जायदाद चाहिए। हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, तो मैं सोच रही थी कैसे बताऊं, लाज आ रही है। अरे तुम हमसे कहा लाज रही हो, बताओ ना क्या बात है, पहले खुशी की बात तो बताओ ना। बताओ ना खुशी की बात बताओ। आपने हमसे कहा था ना। हाँ। आपको बच्चा चाहिए। अरे हाँ वो तो हम भूल ही गए का हम, बताओ ना। हम माँ बनने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, सेठान तुमने ये बात तो हमको कह के हमारा दिल बाग बाग कर दिया। सेठ जी। हाँ। अब हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, बहुत प्रसन्न हैं। बुढ़ाऊ सेठान। बुढ़े है बस सेठ जी। हाँ जी। वो ये कोठी, आपने बोला था कि जब खुशखबरी देंगे तो ये कोठी हमारे नाम कर देंगे। हाँ हाँ कोठी, हाँ हाँ कर देंगे। सेठ जी। हाँ हाँ। वो ना सेठान दूर रहो हम सब। क्यों? पता नहीं तेल असर नहीं कर रहा। आप तो कह रहे थे कमरा तैयार रखना। हाँ कमरा तो कब तैयार है पता नहीं साले ने। मैं तो सोच रही हूँ आज रात ही आपका काम निपटा दूँ। ओ मेडिकल वाले ने सारे ने कोई नकली तेल तो नहीं दे दिया, तेल असर नहीं कर रहा। तेरे ऊपर कोई भी तेल असर नहीं करेगा। एक बस जहरी असर करेगा, मौका मिलते ही दूंगी। सेठ जी। हाँ। वो मैं ये कह रही थी ना। हाँ। कि पांचवा पढ़े हैं हम। पांचवा पढ़े हैं तो थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी तो हम देख समझ लेते हैं। हाँ। अब आप ऐसा करिए सेठ जी। हाँ। आप बूढ़े हो गए हैं। अरे हम बूढ़े कहाँ हो गए। अरे नहीं नहीं आप मेरे लिए हमेशा जवान रहेंगे। मगर तो मैं सोच रही थी कि वो जो जायदाद के पेपर है ना आप तैयार करा, वो हमारे नाम कर दीजिए। मतलब जैसे कि आप बाहर जाते हैं आपके ऊपर कितना बोझ रहता है, तो वो हम संभाल लेंगे ना यहाँ पे। अच्छा कागज के पेपर हैं। अभी कोठी आप हमारे नाम कर देंगे तो बताइए दिन रात हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं। तुम चिंता ना करो, हम ये मकान और कोठी के पेपर अभी वकील को बुलवाते हैं और तैयार करवाते हैं, तुम्हारे नाम लिख देंगे। और क्या बोलो, और बोलो। और वो मैं ये कह रही थी ना, वो नास पिटा चंपत। हाँ वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। का कोई बदतमीजी करी सारे ने? ना ना इतनी किसी की मजाल जो आपकी सेठाइन से बदतमीजी कर जाए। हाँ सही बात है। वो दरअसल मैं सोच रही थी कि मुनीम कितना भला आदमी है, और हाय मेरे प्यारे मुनीम भला आदमी तो है लेकिन सारे की नजर ठीक नहीं है। नहीं नहीं मुनी सेठ जी, मुनीम जी ने आज तक मुझे नजर उठा के नहीं देखा। उसकी नजर है ही नहीं तो उठा के देखेगा क्या? मैं जब भी खड़ी होती हूँ ना वो हमेशा बैठ जाते हैं, जब मैं बैठ जाती हूँ तो वो लेट मेरा मतलब जब मैं बैठ जाती हूँ मेरे पैरों पे बैठ जाते हैं। तुम नहीं जानती हो का, एक बार उसने शीशे के गिलास पर नजर भर के देख लिया, गिलास फट गया, इतनी नजर खराब है सारे की। चंपत ने बताया आपको? हाँ। मैं बोल रही थी उसी नास पीटे का काम है, वो आए ही आए इसलिए।
मेरे आपके बीच झगड़ा करवाने देखिए, हो गया ना झगड़ा? नहीं नहीं, झगड़ा कैसे होगा? तुमने कह दिया मुनीम ठीक है तो मुनीम ठीक है, चंपत खराब है तो चंपत खराब है, और बोलो मेरी जानी। तो आप बस पेपर तैयार करा दीजिए। पेपर हम तैयार करा दे रहे, और हम अब हम मुनीम जी को बोल दीजिएगा, आप ना एक काम करिएगा, आप ना वो चंपत है ना उसको अपने साथ लेके जाइएगा, और ना मुनीम जी को यहाँ छोड़ दीजिएगा, वो थोड़े पढ़े लिखे हैं ना। ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए, अब हम जा रहे हैं। आप कुछ करेंगे नहीं? अब क्या करें, तेल असर ही नहीं कर रहा। कौन से तेल की बात कर रहे हैं आप? तेल जो लाए रहे तो सारे ने नकली तेल दे दिया, अभी हम जा रहे हैं। नहीं बैठिए, अब नहीं सुनिए ना, अब बेकार है। हमने सुना है जवानी में आपने बहुत सारी औरतों को पटाया है अपने गाने से। अरे नहीं, अब कहाँ आवाज करती है रानी, अब तो आवाज ही नहीं बोलती है, सारी आवाज सुकुड़ गई है, समझे? अब बताए रहे ना कि वो सारा तेल भी असर नहीं कर रहा, अब कुछ नहीं। हमें नहीं पटाएंगे, हमें नहीं सुनाएंगे। सुनाएंगे तुमको, पहले जरा हम अभी हम जरा बाथरूम जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बुढ़े का नाड़ा ढीला हो गया, यही करने आता है, मुझे क्या करना, मुझे तो बस इसकी जायदाद चाहिए, जेवर चाहिए, ये कोठी चाहिए, फिर मैं और मेरा मुनीम, हाय प्यारे, कब तुम्हारे दीदार होंगे। चलो देखती हूँ कहीं प्यारे मिल जाए तो थोड़ा सा। चंपत बेटा, तुम्हारे समझ में आया कुछ? ये जो सारा मुनीम है ये अंदर ही अंदर काम लगा रहा है, हम यह नौकरी जो किए हैं ना पर्दाफाश करके रहेंगे, ना सेठ को पता चल रहा कि हम कौन, ना सेठानी पता चल रहा, सारा मुनीम को पता चल रहा है, और हम पूरा रहस्य लीला देख रहे हैं, पूरा पिक्चर बना के पेश करूंगा सेठ के सामने, तब उसका आँख खुलेगा, बुढ़वा सठियाया हुआ है, पूरा देख लिए हैं। अब चलते हैं, अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर हमने बिना माचिस की आग ना लगाई तो मेरा भी नाम चंपत नहीं, मैं घर फूटने नहीं दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। चंपत, अरे मालकिन की सेवा कर रहा हूँ। अरे कितनी देर तक करेगा? 2 मिनट और रह गए बस, जल्दी कर। आया मालिक, ये मालिक। कौन सेवा कर रहे थे? अरे आप ही ने कहा ना मालकिन की सेवा करना, और उनके पैर में दर्द हो रहा था, तेल लगा रहा था। हम तुमको मुनीम जी कहाँ गए? मुनीम जी, ये हमेशा 3-5 चक्कर में रहते हैं। 3-5 जी, ये जोड़ा गाठी में लगे रहते ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हिसाब किताब कर रहा था गद्दी बैठ के, कहिए क्या बात है तुम्हारा? अरे हम तुम्हारा छक्का बाहर हम करेंगे। हम ये चाह रहे थे क्या के थोड़ा बाहर जाना है हमको। बाहर जाएंगे कुछ जरूरी काम से? हाँ इस समय? हाँ हाँ ठीक है, तो जाइए, हम आपको बताएं, इधर आओ। हाँ बोलिए, अंदर की बात है। ये तो इसी तलाश में रहता कि कब सेठ बाहर जाए। वो सेठाइन है ना? हाँ। तो सेठाइन बोली हैं हमसे क्या के जायदाद मकान और वो सब जो कुछ है वो तुम हमारे नाम कर दो। तो हम हैं सदाने तो दोनों में कौनों कौन। हाँ हाँ मालिक, सही बात है, आपके बाद तो वही वारिस होंगी ना, यही वारिस होंगी, यही वो मालकिन वाली सोची। तो सेठ जी, ये आपने इतनी जल्दी क्यों सोच लिया? अरे हमारी सेठाइन की इच्छा है। हाँ हाँ, तो ठीक है, उनकी इच्छा कम है इनकी ज्यादा है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा वकील के पास जाएं और वकील से थोड़ा फरिया लें। बिल्कुल, और उसके बाद ये मकान
और जो दुकान और ये जो कुछ भी है सब वो कर नाम हम। हाँ सर, तो सेठ जी हमारी इच्छा सब इन्हीं के नाम कर दीजिए। बोलोगे सेठानी के नाम? सेठानी के नाम। सेठ जी हाँ, जो आप समझे वो कर ले। वैसे तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये सब आप काहे परेशान। ये तो ये चाहते सीट खाली हो जाए। अरे वो मैं तकलीफ का है, मतलब हम और सेठानी में कौन फर्क है? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं, जैसा आप समझे। तो वही हम बताए हैं। और एक राज की बात और है मुनीम जी, उधर मारो चलो। अरे बात ये है कि हमारी जो सेठाइन है ओका पाँव भारी है। और देख रहे तो हम कैसन जवान हैं। हाँ, वो तो है। फिर वो तो आपसे दिख ही रहा कि एक बात नहीं समझ कर रही है। ओका फल तो मिली है ना। एक बात समझ में नहीं आया, सेठ हल्का सेठ हल्का नहीं हुआ, सेठानी पैर कैसे भारी हो गया?